साथियों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। एक हमारे साथी का ये डिमांड था MP से, मध्य प्रदेश से, कि उन्हें ज्योग्राफी का प्रिंटेड में नोट्स चाहिए। तो हमने सोचा कि इसका एक रिव्यू वीडियो भी कर दिया जाए, उसके बाद अपने वेबसाइट पे भी इसे लिस्ट किया जाएगा। तो देख सकते हैं, 4 वॉल्यूम में ज्योग्राफी मेंस के लिए, बेसिकली मेंस के लिए उनका भी डिमांड था। ज्योग्राफी मेंस के लिए 4 वॉल्यूम में नोट्स है, क्लास नोट्स है आदित्य सर का, कुमार गौरव सर का। कुमार गौरव सर जो कि ज्योग्राफी के काफी प्रोमिनेंट टीचर हैं, दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और उनका काफी अच्छा कंटेंट भी होता है, मटेरियल भी होता है। प्रिंटेड नोट्स का था डिमांड, तो 4 वॉल्यूम में ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 आप देख सकते हो। UPSC मेंस ऑप्शनल या फिर BPSC या फिर MPPSC या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये बेस्ट मटेरियल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ से शुरू होता है प्रिंटेड मटेरियल या कंप्लीट। काफी अच्छा रीडेबल फॉर्मेट में बुक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, रीडेबल कंटेंट है। भूगोल का परिचय आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है पूरा टॉपिक जो वॉल्यूम 1 है। बेसिकली वॉल्यूम 1 है तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद आप अंदर में सारे टॉपिक्स देख सकते हो। एक एक टॉपिक जो है, जैसे रेल हो गया, रोड हो गया, या जो भी होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को, और पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेनेशन भी है। और जैसे पेपर्स लिखे जाते हैं बेसिकली मेंस में आइदर MPPSC हो, मध्य प्रदेश का हो, या BPSC हो, या UPSC हो, जिस हिसाब से पेपर लिखे जाते हैं उस हिसाब से इसमें भी आपको राइटिंग फॉर्मेट में है कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है, आंसर करना है टॉपिक्स का, तो ये सारा आपका उसी हिसाब से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी से शुरू होता है, उसके बाद आप देखते हैं भूगोल की परिभाषा, भूगोल की प्रकृति, सारे का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसमें, भूगोल की शाखाएं एवं उपशाखाएं। उसके बाद आप देख सकते हो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर, तो आप यहां देख सकते हो इकाई 3 जो है इसमें बेवर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, उसको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समराइज किया गया है, ग्राफिकल और इमेज इलस्ट्रेशन भी है ताकि स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से जो यूनिट इकाई 2 है उसमें आप देख सकते हो भूगोल में तंत्र विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी, और उसके पूरे टॉपिक्स है सबका एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर इकाई 4 में हम लोग आ जाते हैं तो सेंट्रल प्लेस ऑफ थ्योरीज ऑफ क्रिस्टोलर एंड लॉश, यानी कि क्रिस्टोलर एवं लॉश का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। तो सारे जो भी ज्योग्राफी के अंदर में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब टॉपिक्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है इस पूरे नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स है। इसमें आप देख सकते हो रोस्तोव मॉडल ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ, सारा पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन है सारा। इसी तरीके से आप अंदर भी देख सकते हो नोट्स के, सांस्कृतिक प्रदेशों के निर्माण में भाषा, धर्म एवं परंपरा की भूमिका, प्राचीन काल और प्राचीन काल के ज्योग्राफी को, वैदिक एज को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी इंडियन सोसाइटी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इसका पूरा आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज तो है ही, टॉपिक वाइज भी आपका पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन ब्रीफ सब कुछ है इसमें। कुमार गौरव का स्टडी मटेरियल है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, ब्रीफ कर दूं कि अगर आप ये नोट्स हमारे वेबसाइट से मंगवाते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोगों ने दे रखा है, आप इसे घर बैठे अपने एड्रेस पे, अपने किसी भी लोकेशन पे मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे कंप्लीट इंटायर नोट्स का, और विद इन 3 to 5 डेज ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है गाइस हमारी, और सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी है हमारी। तो आपको अगर ये नोट्स ऑर्डर करना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, और सारा जो भी नोट्स है अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे भी, उसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने लिंक दे रखा है, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो आइए यूनिट 2 देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो यूनिट 2 में आप देख सकते हो स्टार्ट होता है ये फोर्सेज अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट यानी भूपटल को प्रभावित करने वाले बल। उसके बाद इसमें भी आप देख सकते हो ग्राफिकल एंड इमेज इलस्ट्रेशन से उसको एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक के अंदर आप जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें भी उसी काइंड ऑफ है जिस तरीके से वॉल्यूम 1 को डिजाइन एंड डेवलप किया गया था, सेम उसी टाइप से वॉल्यूम 2 को भी डिजाइन एंड डेवलप किया गया। आप इसमें भी देख सकते हो टॉपिक वाइज है। अब इसमें आप देख सकते हो भूपट्टी का उद्गम एवं विकास, उसके बाद इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है एलाबोरेटेड फॉर्म में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो पैलेसियो मैग्नेटिज्म, सारा टॉपिक जो भी है मेंस के लिए जो भी होता है वो सारा कुछ आपको इसमें कवर किया गया है। काफी मोटे मोटे बुकलेट्स है, 4 वॉल्यूम में कंप्लीट इंटायर बुक है, और किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पिक फॉर यू, अगर आप मेंस के लिए ज्योग्राफी चूज किए हुए हो तो। अब आप इसमें देख सकते हो वॉल्यूम 3 में हम लोग आ गए हैं, मानव भूगोल में संदर्भ यहाँ से स्टार्ट होता है। 4 वॉल्यूम में बेसिकली इसीलिए इसको डिवाइड किया गया ताकि सारा कुछ सिग्रेगेटेड फॉर्म में हो, सारा कुछ
पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट बाय शॉर्ट हो, कुछ इसमें इश्यूज ना हो, ताकि कभी कभी होता है एक ही बुकलेट के अंदर में सब डालने से काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो मानव विकास सूचकांक यहाँ से शुरू हो जाता है, आर्थिक भूगोल, विश्व ऊर्जा संकट, अनुकूलम जनसंख्या का सिद्धांत, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, सारे पॉइंट्स है इसमें, सारे टॉपिक्स है, सारा एक्सप्लेन किया गया है और रीडेबल फॉर्मेट में कंटेंट है पूरा आपका, ये वॉल्यूम 3 है। अब आइए हम लोग वॉल्यूम 4 जल्दी से देख लेते हैं। वॉल्यूम 4 जो ज्योग्राफी का है, इस भी हिंदी मीडियम में प्रिंटेड नोट्स, इसमें आप देख सकते हो ये जो वॉल्यूम 4 है वो भारत की भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। आप यहाँ से शुरू से देख सकते हो इसमें पर्वत, माउंटेन्स, उसके बाद अंत या उच्च हिमालय, मतलब जो भी आपका भारत की भौगोलिक अवस्थिति है ज्योग्राफी का, वो पूरा कंटेंट इसमें है। आपको इसमें मैप भी पूरे नोट्स में इंटायर आपको मैप भी मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया का बेसिकली ज्योग्राफी है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंडिया के साथ रिलेट करके पूरे मैप के साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। बस मैप ही है इसमें, मैप के साथ साथ आपका पूरा कंटेंट है, पूरा क्लास नोट्स है, पूरा प्रिंटेड फॉर्मेट में है। और मैप के बाद आप अंदर आओगे तो देखोगे इसमें जो भी टॉपिक्स है रिलेटेड इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो सारा कुछ आपको इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है मैप के साथ, ग्राफिकल एंड इमेज इलस्ट्रेशन के साथ। तो ये गाइस पूरा कंटेंट था 4 वॉल्यूम में ज्योग्राफी का, ऑप्शनल पेपर के लिए। आइदर आप MPPSC के लिए जा रहे हो, ऑप्शनल ज्योग्राफी चूज कर रहे हो, या फिर आप BPSC या फिर UPSC सेलेक्ट कर रहे हो मेंस के लिए ज्योग्राफी। तो ये कंप्लीट नोट्स कुमार गौरव सर का 4 वॉल्यूम में है। ये आप हमारे वेबसाइट स्टूडेंट साथी ऑनलाइन किताब वाले से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और कोई दिक्कत हो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप हमारे वेबसाइट से इसे घर बैठे बड़े आराम से मंगवा सकते हो। तो थैंक यू गाइज, दैट वॉज ऑल। और हमारा फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है गाइज, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जाके एक बार आप चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में काफी कुछ है चेकआउट करने के लिए। तो ये था ज्योग्राफी का इंटायर नोट्स। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन।